मेरे सर्विस सेंटर में कुछ क्लाइंट आए थे अभी कुछ दिन पहले, कुछ नहीं मतलब 2-3 क्लाइंट आए थे जिनकी अगेन एंड अगेन रिपीटेड प्रॉब्लम थी। वो क्या थी, एक एंटॉर्क गाड़ी थी, उसमें एंटॉर्क में हुआ क्या था, पिकअप की प्रॉब्लम आ रही थी। उस कंपनी में मतलब टीवीएस की कंपनी में उस बंदे ने टीवीएस का प्रॉपर जेन्युइन कार ऑर्डर करवा दिया, उसके बाद भी पिकअप नहीं आ रहा था और सब कुछ करा के देख लिया, उसके बाद भी पिकअप नहीं आ रहा था। तो भाई वो बंदा बहुत दुखी था। उसके बाद एक और कस्टमर आया एक्टिवा लेके, उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम। उसके अलावा एक और कस्टमर आया एंटॉर्क लेके, उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम। तो भाई इन सेम प्रॉब्लम को सोचा मैंने कि आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँ आपको जो बहुत ही फाड़ू, जैसे कहते ना फाड़ पिकअप, एंटॉर्क स्कूटी हो या एक्टिवा हो कोई सी भी हो, पिकअप बहुत जबरदस्त ला के दे देगी आपको। अगर ये ट्रिक आपने अपना ली तो इस वीडियो को पूरा स्किप कर ली, पूरा वॉच करके देख लिया तो ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको वाकई में जानकारी मिले तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV। दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं छोटी सी बात शेयर करता हूँ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी हम टीवीएस की कंपनी जाते हैं तो कंपनी में जो टेक्नीशियन होते हैं उनको इंजीनियर जो सलाह देते हैं, जो एक एडवाइस देते हैं, इंजीनियर की प्रॉपर सेटिंग कराते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई आप जो भी सेटिंग इसमें कर रहे हो वो इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, इस तरीके से, मतलब एक कंपनी के पैटर्न को फॉलो करते हुए करना। अब वो जो कंपनी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, उससे भी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कस्टमर जो हमारा जो ग्राहक होता है वो अपने काम में, हमारा अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। तो वो मेरे पास लेके आया था, मैंने क्या क्या सेट किया मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। एंटॉर्क की जो स्कूटी थी उसमें सबसे पहले, अगर वो कार्बोरेटर वाली है तो वैसे कार्बोरेटर वाली में ही बात करूंगा, तो सबसे पहले जो उसके टैपेट कंपनी ने डिसाइड किए हुए उस टैपेट को लूज हल्का सा और कर दो। मान के चलो उसके टैपेट कंपनी ने 0.07 mm रखे हैं, तो आपको क्या करना है, इनलेट एग्जॉस्ट के टैपेट को 1-1 mm हल्का सा लूज और ज्यादा कर देना है। पहला पॉइंट ये आ जाता है, ठीक है, हल्का सा लूज करना है, टाइट मत कर देना। 0.07 इनलेट है और एग्जॉस्ट 0.8 है, तो आपको क्या करना है, 7 की जगह 8 और 8 की जगह 9 कर देना है, ठीक है। ये सेटिंग है, बहुत अच्छी है, समझ लो आप। उसके अलावा आपको कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करने से पहले उसकी जो स्लाइड होती है, ये जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, इस सेटिंग को किसी भी स्कूटी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक वाकई में टैलेंटेड स्किल्स परफेक्ट वाले मैकेनिक हो तो इस चीज को सही तरीके से रख लोगे, कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद कार्बोरेटर के अंदर एक नीडल होती है, अब उस नीडल में एक लॉक लगा होता है, उस लॉक को आपको क्या करना है, देखो कार्बोरेटर की जो नीडल होती है वो नीडल ही डिसाइड करती है पेट्रोल के फ्लो को। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्कूटी में पेट्रोल का फ्लो अच्छा हो जाए, मतलब पिकअप अच्छा हो जाए, तो पिकअप को अच्छा करने के लिए पेट्रोल का फ्लो हल्का सा खोलना पड़ता है, कंपनी वाले नहीं खोलते हैं। उसका एक रीज़न होता है आपकी स्कूटी की एवरेज का ध्यान रखना। अब अगर आप पिकअप का अच्छा चाह रहे हो, बहुत बढ़िया चाह रहे हो, तो कॉमन सी बात है पिकअप को बढ़ाने के लिए एवरेज को हल्का सा कम करना पड़ता है। अब ये होता है हमारा एयर और फ्यूल का कंजप्शन को सेट करना, कहने का मतलब आपकी गाड़ी में स्कूटी के अंदर नीडल को हल्का सा लॉक उसका बाहर निकालो और लॉक खोल के हल्का सा डाउन कर दो। अगर उसके लॉक को हल्का सा एक पॉइंट डाउन कर दोगे तो नीडल जो है उठ जाएगी, मतलब आपका ये लॉक है और यह है नीडल। अब आपने इसको ये पॉइंट हटा के इसके ठीक नीचे वाले पॉइंट पर लगा दिया तो इससे क्या होगा, नीडल उठ जाएगी। अब जब नीडल उठेगी तो उसका जो मेन जेट होगा कार्बोरेटर के अंदर, वो मेन जेट पेट्रोल की सप्लाई को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, और जब वो बढ़ाएगा तो आपकी स्कूटी के अंदर पेट्रोल फ्लो बढ़ेगा, और उसके बाद जो आप सेटिंग करोगे कार्बोरेटर की एयर स्क्रू की, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्कूटी की सेटिंग हो जाएगी। आपकी स्कूटी की एवरेज अगर 50 की है तो वो 40 की हो जाएगी, ठीक है, एवरेज पर तो फर्क आएगा, क्योंकि अगर आपको पिकअप चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा एवरेज से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जब पेट्रोल फ्लो बढ़ेगा तो आपका पिकअप बहुत ही बूस्ट हो जाएगा। बट इसमें 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, जो वो बूस्ट मिलेगा उस बूस्ट को संभालने के लिए इंजन में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इंजन में कोई दिक्कत ना आए। अब कैसी दिक्कत, सबसे पहला उसका क्लच, उसके क्लच में क्लच की बेल्ट एकदम ओके होनी चाहिए, उसके क्लच में क्लच का वेरिएटर एकदम ओके होना चाहिए, उसके क्लच में क्लच शू एकदम ओके होने चाहिए। क्लच प्लेटें तो होती नहीं है स्कूटी के अंदर, मोटरसाइकिल में होती हैं, पर स्कूटी के अंदर जो क्लच शू और क्लच बेल्ट और वेरिएटर होता है वही डिसाइड करता है पिकअप को, इंजन का जो बूस्ट उसका जो प्रेशर मिल रहा है उसको संभाल सके और उसको लोड झेल सके, और झेलने के बाद उसको प्रॉपर स्मूथ वे में अप्लाई कर सके अपने पीछे वाले व्हील पर, ठीक है। क्योंकि जब हम गाड़ी में रेस देंगे तो रेस देने से हमारा पीछे का व्हील नहीं घूमेगा, हमारा आगे की क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, और जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो क्रैंक शाफ्ट से ही अटैच हो रखी होती है वेरिएटर की बेल्ट, वेरिएटर और उसकी बेल्ट और वेरिएटर बेल्ट से अटैच हो रखा होता है हमारा क्लच शू। जो क्लच शू होता है वो जब खुलता है
तो उसके बाद उसके ऊपर एक कवर लगा होता है, वो कवर चिपकता है क्लच से और बहुत तेजी से उसमें बूस्ट मिलता है। पहले आपकी बाइक में जब सेटिंग गलत थी तो जो बूस्ट मिल रहा था 40 की स्पीड का, अब जैसे ही सेटिंग आप करोगे तो बूस्ट ऑटोमेटिक 60-70 का हो जाएगा और आपकी स्कूटी का पिकअप बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त हो जाएगा। जो सर्दियाँ आती हैं, सर्दी में आपने नोटिस किया होगा कार्बोरेटर वाली गाड़ी में सुबह सुबह मिसिंग करती है हल्की सी, तो ये सेटिंग करने से आपकी जो प्रॉब्लम सुबह सुबह की होती है सर्दी की वो भी सॉल्व हो जाएगी कुछ हद तक और आपकी गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी। ये सेटिंग जितनी भी स्कूटियाँ होती हैं कार्बोरेटर वाली उन ज़्यादातर स्कूटियों में अप्लाई होती है। अगर आपने इस सेटिंग को समझ लिया सही तरीके से तो यकीनन आप अपनी स्कूटी के पिकअप को बहुत ही ज़्यादा प्योरली स्मूथली मक्खन की तरह कर सकते हो। एक लास्ट बात और, जो हमारी जुपिटर गाड़ी होती है उसके नीचे एक साइलेंसर पाइप लगा होता है। अब जुपिटर गाड़ी में इतना घटिया ये कंपनी ने वालों ने दिया है ना कि क्या बताऊं, बहुत ही घटिया और वाहियात इन्होंने सिस्टम दिया है कि जुपिटर का ज़्यादातर बैंड पाइप पिचक जाता है हल्के से बड़े ब्रेकर की वजह से। अब जब ब्रेकर की वजह से बैंड पाइप पिचकेगा तो उसका जो एग्जॉस्ट पाइप वाला सिस्टम है जब वो पिचक जाएगा तो पिकअप ऑटोमेटिक ड्रॉप होगा और आपकी गाड़ी में दिक्कत बढ़ेगी। तो आपको ये सेटिंग करने से पहले इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है और स्पार्क प्लग का गैप अच्छा होना चाहिए और इसके अलावा जो हमारा एयर फिल्टर है वो भी क्लीन होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान आपको देना है। ये ट्रिक जो आपने मैंने बताई है ये वाकई में बहुत काम की है। अगर आपने वाकई में मोटरसाइकिल का काम जानते हो और मैकेनिक हो अच्छे खासे स्कूटी का काम जानते हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये भी मेरे साथ शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी कि मेरी वीडियो से एक मैकेनिक भाई देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जब आप करोगे तो यही सोच के करना कि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे जाके मोटरसाइकिल से स्कूटी से रिलेटेड देखनी है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।